जय बाबा रुद्रनाथ। बाबा रुद्रनाथ ब्लॉक के सभी जगत और भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, हम चल रहे हैं आज की ब्लॉक की ओर और आज जो है तमाम हिंदू संगठनों ने जो है बहुत बड़ी रैली का आयोजन देहरादून गांधी पार्क में कर रखा है और उस रैली में सम्मिलित होने के लिए हम भी जा रहे हैं और तमाम लोग उसमें जा रहे हैं। काफ़ी लोग चले गए हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं रैली में। मैं भी को न्याय दिलाने के लिए और अपने सनातन की रक्षा के लिए हम सब लोग जो है उस रैली में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमारे दक्ष भाई जी हैं दिल्ली में, जो कि आज भी हिंदुओं के लिए जिन्होंने आवाज़ उठाई और वही जो है उनको ही जो है अपने घर में रहना पड़ रहा है छुप छुप करके दोनों भाई बहनों को, इस संदर्भ में आप क्या बोलना चाहोगे? भारत सरकार को, भारत के हिंदुओं को समझना चाहिए, अगर ऐसे दक्ष जैसे बालक के खिलाफ अगर कार्रवाई की जाएगी जो हिंदुत्व के लिए काम करता है, तो फिर हर घर से हिंदू इसी काम को करने के लिए निकलेगा, तब आप किस किस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, जो इस्लाम के जिहादी हैं, कार्रवाई करनी है तो उनके खिलाफ करो, क्योंकि जिहादी मानवता के दुश्मन है और हिंदू मानवता को स्थापित करता है। इसीलिए दक्ष ने जो काम किया होगा वो वास्तव में सराहनीय काम होगा और मानवता को बचाने के लिए काम किया गया होगा। अगर मानवता को बचाने के वाले लोगों को मुल्जिम बनाया जाए तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उसके खिलाफ कार्रवाई को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुत्व को बचाने के लिए कोई काम करता है, अगर अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई काम करता है, तो आत्मरक्षा के लिए किया हुआ काम कोई अपराध की संज्ञा में नहीं आता। बहुत बहुत आपका शुभ नाम? मेरा नाम विराट है सर। अच्छा विराट जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे भाई जो है दक्ष चौधरी जो है जी, जिस प्रकार से जो है उन्होंने लड़ाई लड़ी है हिंदुओं के लिए जी, और तमाम प्रशासन दिल्ली की प्रशासन ने जो है उन्हें गोली मारने के डायरेक्ट आदेश दिए हैं, तो आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, दक्ष चौधरी वो योद्धा है जिसने भारत तेरे टुकड़े हो गए, कन्हैया कुमार ने जो नारेबाजी की थी कि भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो उस कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारने वाला दक्ष चौधरी भाई है, ठीक है, उसको देशद्रोही घोषित कर दिया गया। और बांग्लादेश के जो घुसपैठ थे जिनको भगाने का काम सबसे पहले किया है दिल्ली से, वो दक्ष चौधरी भाई है और ये ऐसा धर्म योद्धा, एक सच्चा गौ सेवक है जिसने कि गायों की सेवा, गरीब बच्चों को खाना खिलाना, समाज सेवा में इतना इन्वॉल्व है कि इसे अपनी जान की परवाह नहीं है, बिना अपनी जान की परवाह किए ये दिन रात अपने राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए लगा हुआ है। ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जाएगी तो ये अच्छा नहीं होगा। हर घर से भी हिंदू इन्हीं कामों के लिए निकलेगा, क्या हर हिंदू को जेल में डालोगे? ये भी परम सत्य बात है, क्या हर हिंदू को जेल में डालोगे? कहाँ कहाँ तक तो जेलें भरेंगे, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं में 80 करोड़ 90 करोड़ हिंदुओं को कहाँ को कौन किस चीज़ को तो जेल में डालेंगे। लेकिन कुछ लोग हमारे सनातन में जो कि हमारे ही धर्म के विरुद्ध में जो सनातनी लोग हैं, क्या उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे जो दोगलापन कर रहे हैं हिंदुओं के साथ? देखिए, जात पात में बटके कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, जात पात अपने घर तक सीमित है, सब एक कमरे तक सीमित है, बाहर सब एक हिंदू है। जात पात में बटोगे तो भाइयों देखो ऐसे ही कटोगे जैसे बांग्लादेश में कटे हो, यही दुर्दशा हमारे भारत की होगी। यदि आज नहीं जागे तो कल जो हाल बांग्लादेश में हुआ कल तुम्हारी बहन बेटियों का भी होने वाला है। अभी भी समय है जागने का, वरना मौका नहीं मिलेगा हिंदुओं भागने का। तभी कह रहा हूँ सतर्क रहे और अपने घरों में अपनी बहन बेटियों की सेफ्टी के लिए हथियार प्रोवाइड कराए, इसके लाइसेंस की मांग सरकार से करें कि घर में बहन बेटियां हैं और बाहर दरिंदे घूम रहे हैं, इसीलिए हमें हथियार प्रोवाइड कराए जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आपने अपने हमारे तमाम सनातनी भाइयों को जागृत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्की है, मैं हिंदू राष्ट्रीय शक्ति संगठन से हूँ। मैं दक्ष भाई के लिए यही कहना चाहता हूँ कि वो जहाँ भी हैं सुरक्षित रहे और जो भी उनके साथ अत्याचार हो रहा है उससे वो जल्दी बचे और प्रशासन भी उनसे जो इंजाम लगाया वो भी हटाएं। उत्तराखंड सरकार से भी मेरी ये विनती है। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता, जय जय श्री राम, जय जय। देखो साथियों, मैं पूर्ण घटना का विवरण आपको दे रहा हूँ।
इस प्रकार से अपने ही देश में हम संघर्ष करते हैं हिंदू लोग अपने सत्य सनातन की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने हिंदू भाइयों में हो रहे अत्याचारों के संघर्ष के लिए। तमाम हिंदू संगठन हम सब एक होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देखो, यह है देहरादून का कचहरी प्रसाद। राम जय श्री राम, जय श्री राम। देखो साथ इस प्रकार से जय, और इस प्रकार से तमाम संगठन जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस संकल्प को आगे लेते हुए हम सभी लोग अपनी देश के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए तमाम जनता जो है सड़कों पर उतर चुकी है और पूरे देश में साथियों इस प्रकार की क्रांति हो रही है। हो गुजरात हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, बांग्लादेश हो बर्बाद हो बर्बाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। देहरादून जिला अधिकारी देहरादून, जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय देहरादून एवं न्यायालय भी यहीं पर है कलेक्टर ऑफिस। तो साथियों कलेक्टर ऑफिस के वहां पर जो है तमाम जनता के द्वारा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय। इस प्रकार से साथियों श्री राम बंद करो बंद करो, जय श्री राम, जय हो जाएगा जय भाई भाई, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, भारतीय परिवार, हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, 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 हिंदू जागो तो। देखो साथ इस प्रकार से तमाम हिंदू संगठन एक और इन बेधर्मियों को सबक सिखाने के लिए हमारे तमाम हिंदू समाज के भाई बहन माताएं बहनें सभी सड़कों पर उतर गई है। जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो, देखो साथी इस प्रकार से बहुत ज्यादा पब्लिक देहरादून में, देहरादून कचहरी में, कलेक्टर ऑफिस के बाहर बहुत ज्यादा पब्लिक, तमाम हिंदू लोग बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार और देश में हो रहे अत्याचार के विरोध में रैली प्रदर्शन, और सभी हिंदू जाग रहे हैं। इस बात की हमें खुशी है। समाज को आगे आने का रास्ता दीजिए, कहीं ना कहीं भारत का योगदान रहा है, इसको भारत की सेना ने पूरा बलिदान दिया। देखो साथियों दूर दूर तक साथियों बहुत बड़ी पब्लिक देहरादून में और तमाम हिंदू लोग जो है सब एक, माताएं बहनें बुजुर्ग बच्चे सब एक होकर के सब में जागृति अभियान पैदा कर रहे हैं, उन सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे हैं और उन दोगले हिंदू जो दोगले हैं उनको जो है उनको एक सबक है। एक बार हिंदू जागो तो, जागो तो एक बार, हिंदू जागो तो। इस प्रकार से साथियों देखो बहुत ज्यादा पब्लिक देहरादून में और गाड़ी के पास देखो साथियों यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय आ रही हैं और हम अपने जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे और आपके माध्यम से भी आपका भी जो ज्ञापन है वो यहीं पर
दिया जाएगा आपका आपके द्वारा ही। आप भी कृपया आगे आ जाएं, मेरा संत समाज से निवेदन है कृपया माइक के नजदीक ज्ञापन ला रखे हैं तो कृपया मंच के निकट दे दें। जिंदाबाद जिंदाबाद माता की जय, माता की जय। मेरा सभी से निवेदन है कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहे, सबके पीएम कार्यालय में आने की स्थान कम है और लोग ज्यादा है, तो मेरा सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर आप जहां भी हैं वहां खड़े रहेंगे। अभी आप सबकी ओर से जो ज्ञापन पढ़े जाएंगे तो सभी अपने विलंब रोकने एवं दोषी और दोषियों को संरक्षण प्रदान करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के लिए बांग्लादेश पर दबाव बनाए जाने के संबंध में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी मेरा निवेदन है। खेद पूर्वक एवं दुखी मन से आपको यह ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है कि बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता परिवर्तन के तहत हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिरों एवं उनकी संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है, लूटा और जलाया जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार एवं दुष्कर्म के घृणित कार्य किए जा रहे हैं। यह अत्यंत चिंताजनक घटनाएं समस्त भारत के हिंदू समुदाय को व्यथित और दुखी कर रही हैं, जिससे समस्त हिंदू समाज बहुत आक्रोशित है। इन घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भारत और हिंदू समाज को कट्टरपंथ के विरुद्ध वैश्विक एजेंडे के प्रति सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारी यह मांग है कि इस गंभीर समस्या का यथाशीघ्र समाधान निकाला जाए और बांग्लादेश में हिंदुओं के रक्षा हेतु उचित और कठोर कार्रवाई की जाए। मानव पौधा राजनीतिक और धार्मिक कारणों से प्रेरित यह कृत्य अप्रत्यक्ष तौर पर बांग्लादेश सरकार की नाकामी को उजागर करते हैं। बच्चों और महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्वक व्यवहार, उत्पीड़न, मारपीट, बलात्कार की इन घटनाओं से बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों की चिंताजनक स्थिति उत्पन्न हो गई है। कई दिनों से हो रहे अत्याचार की घटनाओं के बाद भी बांग्लादेश सरकार तंबू बनी हुई है। माननीय महोदय, दुख की इस घड़ी के संपूर्ण देश और केवल बांग्लादेश के पीड़ितों के साथ खड़ा है बल्कि आक्रोशित भी है। हमारी आपसे पुरजोर मांग है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई के लिए बांग्लादेश सरकार पर दबाव डाला जाए ताकि वहां के पीड़ित नागरिक निर्भय होकर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। साथियों, साथ में ही हमें बहुत सारे एसोसिएशन से, सामाजिक संस्थाओं से, हिंदू संगठनों से हमें ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूं। पूर्ण उद्योग व्यापार मंडल देहरादून, राजपुरोड व्यापार समिति, ज्वेलर्स एसोसिएशन उत्तरांचल, राष्ट्रीय हिंदू संगठन समिति, उत्तरांचल पंजाबी महासभा, दून योग पीठ देहरादून, अखिल गढ़वाल सभा देहरादून, होलसेल केमिस्ट एसोसिएशन देहरादून, श्री धोलेश्वर महादेव मंदिर धोलास, माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर टपकेश्वर, श्री सिद्धि विनायक सेवा समिति, श्री संतोषी श्री शीतला माता मंदिर प्रबंध समिति, उत्तरांचल प्रदेश अग्रवाल महासभा, गोरखाली सुधार केमिस्ट एसोसिएशन देहरादून महानगर, श्री महाकाल सेवा समिति रजिस्टर्ड, ब्राह्मण समाज उत्थान परिषद रजिस्टर्ड, कृष्ण नगर नगर रोड समिति, टून वैली महानगर, कृष्णनगर कोलागर रोड दुकानदार समिति, इंदिरा मार्केट रेडीमेड एसोसिएशन, उत्तराखंड स्कूल वैन एसोसिएशन, स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन, हिंदू एकता परिषद रुद्रदल, श्री चैतन्य प्रमाण, उत्तम चंद नाइन कंपनी, अजीत प्रसाद मार्ग व्यापार मंडल,
पीपल मंडी व्यापार संघ, व्यापार एकता समिति पलटन बाजार कोतवाली से नीचे, श्री श्याम सुंदर मंदिर, कामली रोड व्यापार संघ देहरादून, सर्राफा मंडल देहरादून, श्री गुरु राम राय दुकानदार समिति हनुमान चौक पीपल मंडी व्यापार संघ, न्यू मार्केट मर्चेंट वेलफेयर एसोसिएशन, पटेल मार्केट एसोसिएशन, झंडा बाजार दुकानदार समिति, जैन मिलन पारस, श्री महाकाल के भक्त सामाजिक संस्था, उत्तराखंड फल सब्जी आरती कल्याण समिति, आरती एसोसिएशन, युवा दून डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, भारतीय नेपाली ब्राह्मण समिति, आर्य प्रतिनिधि सभा उत्तरांचल, पंजाबी बिरादरी वेलफेयर सोसाइटी, श्री राम मंदिर एवं शनि मंदिर, गढ़ जन मंच समिति, भवन श्री कालिका माता मंदिर समिति, शनि सेना सेवा समिति, महिला पतंजलि योग समिति, फार्मा सी एंड एफ डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, देहरादून पेट्रोल डीलर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, गौरव सेनानी पूर्व सैनिक एवं पूर्व अर्ध सैनिक एसोसिएशन, श्री शिरडी साईं चैरिटेबल ट्रस्ट, राष्ट्रीय हिंदू सेवक संघ, राष्ट्र शक्ति, बाबूगंज व्यापार मंडल एवं समस्त हिंदू समाज देहरादून। देखो साथियों, जहाँ तक जाएंगे भीड़ ही भीड़ है, बहुत ज्यादा। श्री कृष्ण गिरी जी महाराज के नेतृत्व में, संत समाज के नेतृत्व में ये यात्रा हुई है। श्री श्री बालाजी सेवा समिति गौड़िया मठ, और ये देखो समिति सेवा कोई टीएमएस व्यापार मंडल रुद्र सेना, सभी का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और जिस प्रकार से आज देहरादून यहाँ पर जो है आप ज्ञापन देंगे थोड़ी देर में, जिला अधिकारी देहरादून और उप जिला अधिकारी देहरादून, जिस तरीके का गीता सत्संग होने वाला, जिस तरीके का एकता का परिचय आज सब साथियों, इस प्रकार से रैली चलती हुई देहरादून में, इस प्रकार से यह रैली चल रही है, तमाम हिंदू समाज को जागृत करने के लिए सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। साथियों, जय बाबा रुद्रनाथ। तमाम हिंदू संगठन एक होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने धर्म और जाति को बचाने के लिए, अपने धर्म को बचाने के लिए, सत्य सनातन धर्म को बचाने के लिए।